नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन है जो शिक्षण अभिरुचि के बारे में बात करेंगे। शिक्षण अभिरुचि के अपन आज है जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर है जो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर है जो आप सभी को जवाब देना है, और आज है जो ये मात्र टेस्ट सीरीज के माध्यम से टेस्ट क्विज है, जो कि आपको है जो आंसर देने और लास्ट में आपको जरूर बताने हैं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। उसके बाद है जो आप जरूर आकलन कर पाएंगे कि मेरे जो इतने प्रश्न सही होते हैं और मैं इतने प्रश्न सही कर पाऊंगा एग्जाम में भी। तो दोस्तों, BSTC और PTT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्विज साबित होने वाली है। वीडियो कंप्लीट जरूर देखना दोस्तों, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनेगी और आज आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो सॉल्व होने वाले हैं। दोस्तों, पहले प्रश्न से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी जवाब देंगे और दोस्तों यहाँ पर एडवांस अपन कुछ नहीं पढ़ेंगे, ओनली है जो सभी जवाब देंगे और बस है जो अपन क्विज पढ़ेंगे, ठीक है, टेस्ट के माध्यम से। दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। देखिए, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनके विशेष संबंध नहीं रखेंगे, या फिर केवल उनके विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे या अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो दोस्तों, ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए। सभी का जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट होगा, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सभी का सही उत्तर होगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये प्रश्न आता है, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में क्या कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए, अनुशासन है ऑप्शन, ऑप्शन बी है पुरस्कार, ऑप्शन सी है छात्रों में मतभेदता, और डी ऑप्शन है कुशल प्रबंध में सहायक। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही है जो हार्ड भी लग रहा होगा आपको। यहाँ पर है जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, कौन सा बी ऑप्शन होगा, पुरस्कार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, आप में से मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जवाब देंगे, लास्ट तक बताएंगे कि जो कितने प्रश्न सही कर पाते हो, है ना। दोस्तों, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं या विरोधी होते हैं। बहुत आसान है, सभी जवाब देंगे यहाँ पर, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के जो सहयोगी होते हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है चार नंबर पे, राष्ट्रीय कैडेट कोर जो कि NCC के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे। दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, सभी जवाब देंगे, मेगावी छात्र का, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का, आप यहां पर टीचर है और आपको है जो सिलेक्ट करना है, ठीक है, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का और आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है जो यहाँ पर है जो कौन सा बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रभावी व्यक्तित्व वाले छात्र का हो जाएगा, मतलब कि बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दोस्तों, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और आपको है जो बताना है यहाँ पर, शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण करना या छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, व्यवहार में कुशलता लाना या छात्रों को भेदभाव सिखाना। बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न तो हल करने हमें आने ही चाहिए, क्योंकि ये भी हल नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों अपन है जो शिक्षण अभिसमता में कुछ भी समझिए कुछ भी ना कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, जिन्होंने भी बी ऑप्शन चुना बिल्कुल सभी का सही उत्तर है, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना ही है जो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है जो इनमें से कौन सा है। देखिए, मूर्खतापूर्ण नहीं है, अनुपयोगी ये भी नहीं होगा, उचित होगा क्या ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आपका है जो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी कल्याणकारी चुना, आपको लगा होगा उचित है, लेकिन उचित उसके बाद में होगा, पहले आपका कल्याणकारी राइट आंसर, मतलब कि डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा, जिसमें आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी आपके लिए, नेता का समय जो है, नेता का समय है, देखिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए, सोने के लिए, देश के लिए, बहुत आसान है ये भी, है ना। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है बहुत आसान प्रश्न बिल्कुल, तो देश के लिए जो आपका कौन सा सी ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा, सभी का सही उत्तर यहाँ पर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे।
देखिए, ए ऑप्शन है उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, बी ऑप्शन है अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, और कौन सा सी ऑप्शन है उत्तम पुस्तकों का लेखन और शिक्षण कार्य में पलायन। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर है जो कौन सा हो जाएगा, आठवें का, सभी जवाब देंगे। और बिल्कुल है जो जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों नौ नंबर पे कि निम्नांकित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते। दोस्तों ए ऑप्शन है संवेदनशीलता, बी ऑप्शन है सामाजिक कुशलता, सी ऑप्शन है दयालुता, और डी ऑप्शन है प्रबंध क्षमता। तो दोस्तों राइट आंसर है जो यहाँ पर दयालुता। देखिए निम्नांकित में से शिक्षक कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं, तो दोस्तों संवेदनशीलता करता है, सामाजिक कुशलता है, प्रबंध क्षमता है। तो दोस्तों यहां पर आपका सी ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दसवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाट्यपूर्ण हो। देखिए सत्य या असत्य या संभवत या कह नहीं सकते। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न अपने एग्जाम में एग्जाम की दृष्टि से यदि देखा जाए तो दो तीन प्रश्न मिनिमम पूछे जाते हैं, यदि ज़्यादा की बात करें तो चार पांच प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ज़रूर ऐसे प्रश्न को गौर से पढ़िएगा, ठीक है, और ध्यान रखें समझे। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या पूछा है कि कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण हो, बिल्कुल असत्य ये तो है ना। तो दोस्तों आपका है जो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। संप्रेषण व्यापक रूप से क्या है। दोस्तों पशु पक्षियों मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है, केवल मनुष्यों में विद्यमान होता है, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, प्रकृति व मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान होता है। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। आप में से जिन्होंने भी ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पशु पक्षियों मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है। दोस्तों अगला प्रश्न, इससे पहले आपसे मैं बात करूंगा संप्रेषण। दोस्तों संप्रेषण है जो अपन एक जैसे ही अपने नज़दीक एग्जाम नज़दीक आएंगे, या फिर आप एक महीना पूरा एग्जाम से एक महीना पूरा अपन थ्योरी के रूप में, या फिर जैसे ही दोस्तों अपन जीके या अदर क्लासेस या इसकी टेस्ट सीरीज से फ्री होंगे उसमें अपन है जो थ्योरी की क्लास पढ़ लेंगे संप्रेषण है। ठीक है, अभिसमता जो भी अभिसमता के जो थ्योरेटिकल जो पॉइंट है वो अपन अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों आप बने रहेंगे तो ठीक है अपने चैनल के साथ। तो दोस्तों फिलहाल तो अपन है जो ये क्विज पढ़ रहे हैं, आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है और उसके प्रति आपका व्यवहार होगा दोस्तों कैसा होगा, अनुशासित, पक्षपातपूर्ण, सामान्य छात्र की भांति, पुत्र की भांति। बहुत आसान प्रश्न है, सभी जवाब देंगे इसका। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सभी का सामान्य छात्र की भांति है जो उसका भी अपन व्यवहार, उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे। दोस्तों तेरवा प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, आकस्मिक निरीक्षण पद्धति के से गुणात्मक सुधार संभव है क्योंकि इससे शिक्षक व विद्यार्थी पर रौब डाला जा सकता है, विद्यार्थी सदैव भयभीत रहते हैं, विद्यार्थी का अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है, विद्यार्थियों के पारस्परिक सामंजस्य एवं अधिगम स्तर को सुविकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट तो यही होगा, बाकी कोई आपके डाउट है तो अवश्य लिख सकते हैं, मैं इस प्रश्न को अवश्य जो डाउट लिस्ट में डालूंगा, उसके बाद अपन है जो उस डाउट क्लास को भी अवश्य पढ़ेंगे। जो भी अपने आज तक शिक्षण अभिसमता के क्वेश्चन पढ़े हैं दोस्तों, आज तक है जो तीन से चार क्वेश्चन मैंने अवश्य डाउट जैसे कि मतलब कि डाउटफुल क्लास में ऐड किया है, उसमें अपन है जो अपन उस प्रकार से ही पढ़ेंगे जैसे कि अपन है जो पढ़े हैं और उसमें कुछ सुधार करके पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर है जो आपके कुछ डाउट है तो अवश्य बता सकते हैं। और अगला प्रश्न है 14 नंबर पे, शिक्षक के लिए विद्यार्थी का मूल्यांकन कार्य देखिए करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है, यह सरकार के सेवा निर्देशों में उल्लेखित होता है, इससे विद्यार्थियों को अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है, या अधिकम क्षमता और उपसारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो साथियों राइट आंसर 14 का आपका हो जाएगा अधिकम क्षमता व उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता। तो दोस्तों 4 नंबर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जिन्होंने भी चुना है। क्लियर,
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, बालक के विकास में योगदान होता है अपने विद्यालय का, अच्छे विद्यालय का, या पाठ्यक्रमों का, या फिर धनवान माता पिता का, या फिर योग्य व समर्पित शिक्षकों का। दोस्तों कितना आसान प्रश्न है, सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पर, डी ऑप्शन है ना, योग्य व समर्पित शिक्षकों का हो जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों आपका आता है 16 नंबर पे, और ये प्रश्न है दोस्तों, उच्च उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है राजनीतिक मंच, स्कूल, घर या फिल्म हॉल। दोस्तों प्रश्न क्या पूछा है, देखिए उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम कौन सा है, स्कूल है ना, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल निसंदेह। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है, बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है देखिए, व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिवृत्तियों, पसंदों एवं विश्वासों का विकास करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना, समूह मानकों को ग्रहण करने के योग्य बनाना। तो दोस्तों समझिए इस प्रश्न को और उसके बाद विकल्प को। और दोस्तों आज थोड़े जो प्रश्न है, दो चार प्रश्न थोड़े से कठिन भी है, मतलब हार्ड है, तो आप अवश्य इस प्रश्न को गौर करके पढ़ेंगे और आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सी ऑप्शन, ठीक है, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न 18 नंबर में, बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा, देखिए बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ कब होगा, यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें तथा सामाजिक नियमों पर सावधानी से पालन करवाएं। बी ऑप्शन है यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण एवं उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, यदि माता पिता बालक के साथ कठोर एवं दमनात्मक व्यवहार रखे, यदि शिक्षक बालकों को कठोर अनुशासन में रखे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाए। उचित लाड प्यार दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, इस प्रश्न इस विकल्प को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आपका अवश्य एक ऑप्शन मतलब कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा श्योर। दोस्तों अगला प्रश्न है 19 नंबर पे, यदि बालक का समाजीकरण ना हो तो वह कैसा होगा, देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा है, बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा कैसे, वो तो अपन ने पढ़ लिया है। अब है जो प्रश्न क्या पूछा है कि यदि बालक का समाजीकरण न हो तो कैसा होगा, तो साथियों यहाँ पर आपका कुसामाजिक हो जाएगा है ना, तो दोस्तों मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न 20 नंबर पे, सभी जवाब देंगे दोस्तों, अपने आज कंप्लीट है जो अपन 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, तो सभी जवाब देंगे यहाँ पर। 20वां है कि शिक्षक का प्रमुख कार्य कौन सा है, राइट आंसर आपका यहाँ पर है जो हो जाएगा बिल्कुल बी ऑप्शन, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, शिक्षक या शिक्षण का मुख्य कार्य एक ही चीज़ है दोस्तों, तो अपन ने अभी तो पढ़ा था ये, और छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न 21वां, संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है गलत है सही है कह नहीं सकते, कौन सा होगा राइट आंसर यहाँ पर सभी बताएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा राइट सही है, संप्रेषण शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका यह कथन है जो सही है, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से भी आप ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। दोस्तों 22वां क्वेश्चन है, नेतृत्व तो एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं, प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व व्यवस्था, प्रभुत्व गुलामी नहीं होगा, प्रभुत्व अनुगमन ये भी नहीं होगा, तो दोस्तों अधीनता भी नहीं होगा, प्रभुत्व व्यवस्था हो जाएगा। दोस्तों कितना आसान प्रश्न था, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसे ध्यानपूर्वक है ना। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है 23वां, आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है जिसमें कि आपका क्या कहना है, निसंदेह, असहमत, संभवतः या कम सहमत। तो दोस्तों लगभग तो है जो संभवतः है जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन। दोस्तों देखिए यहाँ पर है जो आपको कई बार कंफ्यूजन में भी डाल देते हैं, तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसमें जो देखिए यदि आप इसके बाद क्या करते हैं, मान लीजिए कि निसंदेह
या कम सहमत ये करते हैं तो आपको यहाँ पर दो नंबर जरूर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला करते हैं तो आपको वहाँ पर तीन नंबर शिक्षण अभिसमता के टॉपिक में दिए जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, 2400 आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए। देखिए आपकी राय में, आप स्वयं शिक्षक है और शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, यह उनका क्या है कर्तव्य है, या समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे, या यह सभी का अपना अपना दृष्टिकोण, या समय पर आना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर तो ये हो जाएगा, देखिए कौन सा, बी ऑप्शन, समय समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होगी, उसके बाद ये उनका कर्तव्य बनता, बिल्कुल आप यदि ये नहीं कर पाते हो तो ये तो है जो आप कर ही पाएंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर, प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि, ठीक है, विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है, क्योंकि देखिए ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पर सभी जवाब देंगे। इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा पूर्ण अधिगम संभव नहीं है, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है, ऐसा यूरोपीय देशों में भी हो रहा है, यह कोठारी आयोग के शिक्षा निर्देशों में उल्लेखित है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, ठीक है, जिन्हें भी कन्फ्यूजन है बी ऑप्शन सही होगा। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है 26 नंबर पे कि निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि देखिए इससे उसका अधिगम स्तर मापा जा सकता है, यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है। इसमें अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर शिक्षक को वेतन प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, कौन सा सी ऑप्शन, इससे अधिगम स्तर का मूल्यांकन अध्ययन समेकित होता है दोस्तों, समेकित होता किया जाता है। दोस्तों 26वें का ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। और 27वां प्रश्न है दोस्तों, आज के प्रश्न थोड़े से कठिन है, मतलब ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन कठिन है, आप अवश्य लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में ज़रूर बताना कि कितने राइट कर पाते हो, ठीक है। हर रोज अपन है जो इजी पढ़ते हैं, कभी तो हमें हार्ड भी पढ़ने चाहिए ना। दोस्तों अगला प्रश्न है, लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह होती है कि सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं, यह पाठ्यक्रम से परे भी हो सकता है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्व सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है, यह वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन का लेखा जोखा होता है। तो साथियों राइट आंसर यहां पर है जो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल है जो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, जिन्होंने भी सी ऑप्शन चुना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है जो क्या है। देखिए यहाँ पर समझिए इस प्रश्न को, देखिए राइट आंसर है जो आपका हो जाएगा, बालक का फल भी फल की भांति पकना नहीं होगा, बालक में सद्बुद्धि एवं विवेक का विकास होना नहीं होगा। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, मतलब कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी का, ठीक है। चलिए दोस्तों 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है, जैसे कि विद्यालय, माता पिता का परिवार, माता पिता एवं परिवार या समुदाय, या फिर जनसंचार माध्यम। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या पूछा गया कि बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास का आधारभूत पूछा है, तो दोस्तों समुदाय होगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है अपनी आज की क्विज का, 30वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बताएंगे, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप जनचेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पोस्ट द्वारा जागृत करेंगे। दोस्तों सभी जवाब देंगे, बहुत आसान प्रश्न है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जन चेतना जागृत करेंगे। तो दोस्तों बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए, और दोस्तों ये जो प्रश्न है ये पिछले एग्जाम्स में बीएससीसी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी हमेशा इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सभी यह जो अवश्य बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी, और आज है जो दोस्तों कल है जो थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो है जो पूरा ऐड नहीं हो पाया था आपके लिए क्वेश्चन, तो आज है जो एक क्वेश्चन है सभी जवाब देंगे, सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए हैं, सर्वाधिक बांध किस नदी पर बने हुए दोस्तों,
सर्वाधिक बांध का पूछा, तो दोस्तों सभी जवाब देंगे सर्वाधिक बांध है जो किस नदी पर बने हुए, सभी जवाब देंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल है जो सभी जवाब देंगे, और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बता सकते हैं कि है जो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, सर्वाधिक बांध है जो किस नदी पर बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की क्विज आप सभी को कैसी लगी, अवश्य है जो शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए फिर से बोलूँगा, क्योंकि है जो काफ़ी कम आपके भाई और बहन है जो और भी जुड़े हैं चैनल के साथ। तो दोस्तों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और दोस्तों अपना राजस्थान क्लासेज है जो आपके लिए कंटिन्यू जो है क्लासेज बरकरार रख रहा है, तो दोस्तों आप सभी कंटिन्यू है जो अपने साथ बने रहे, ताकि अपने जो कंप्लीट तैयारी है जो कर पाएंगे BSTC और PTT लेवल की, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, और दोस्तों यदि कल नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं रही तो दोस्तों कल मैं लाइव आने की कोशिश करूँगा, और दोस्तों लाइव बाकी कल की क्लासेस दोस्तों ऑफ रहेगी, ठीक है, कल की क्लासेस ऑफ रखूँगा, उसके लिए आपके लिए अच्छी तैयारी मतलब और भी क्लासेस रिकॉर्ड की तैयारी अच्छे से करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों कल लाइव भी आऊँगा यदि नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं हुई तो, और लाइव का टाइम आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल दोनों पर है जो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।